बाराबंकी जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, ओवैसी के कार्यक्रम को मिली अनुमति। शोषित वंचित समाज सम्मेलन मिलेंगे हिस्सा। इस वक्त की बड़ी खबर, सिरौली गोसपुर तहसील के रामपुर में कार्यक्रम। बाराबंकी जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, ओवैसी के कार्यक्रम को मिली अनुमति। शोषित वंचित समाज सम्मेलन मिलेंगे हिस्सा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सिरौली गोसपुर तहसील के रामपुर में होगा कार्यक्रम। बाराबंकी जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, ओवैसी के कार्यक्रम को मिली अनुमति। शोषित वंचित समाज सम्मेलन मिलेंगे हिस्सा। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, अपने ही घर में लगाई फांसी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, छात्र की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। मौधा कोतवाली के छिरका गांव का मामला। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, अपने ही घर में लगाई फांसी। छात्र की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। मौधा कोतवाली के छिरका गांव का मामला। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, अपने ही घर में लगाई फांसी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छात्र की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। मौधा कोतवाली के छिरवा गांव का मामला। हमीरपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। हालांकि आत्महत्या का अभी तक वजह का पता नहीं चला है, घर पे ही फांसी लगाई है युवक ने, इसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। मौधा कोतवाली के छिरवा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या करी है, इसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। इस खबर में हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ब्रिजेश जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, क्या मामला है, किस वजह से फांसी लगाई, क्या कुछ अभी तक जानकारी मिली है? शिखा जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये छात्र इंटर का पढ़ने वाला बताया जा रहा है। बीती रात इसने अपने ही घर के अंदर एक फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जब सुबह परिजन जगे हैं तो परिजनों ने इसको फांसी के फंदे पर लटकता देखा है, इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना करी है। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र को फांसी के फंदे से उतार कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। परिजनों का कहना है कि इनके जो पिता थे वो बाहर दिल्ली दूसरे राज्य में रहकर मजदूरी करते थे और वहां पे उनको जानकारी दी गई है। जब परिजन वहां से मौके पर आ पाएंगे इसके बाद ही मौत के कारण साफ हो सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ब्रिजेश जुड़े थे। तो हमीरपुर से खबर सामने आ रही है, जहां फांसी लगाकर आत्महत्या की है युवक ने और पुलिस ने आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है कि आखिर क्या वजह है जो फांसी लगाई है युवक ने। शराब माफिया पर कसा शिकंजा, आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। एतमादवाला पुलिस ने ली बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने प्रवीण शिवहरे के खिलाफ की कार्रवाई, आगरा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कोर्ट में पेश होने का नोटिस चस्पा किया, पेश नहीं होने पर होगी घर की कुर्की, आगरा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जो शराब माफिया पर कसा शिकंजा। बातचीत के लिए संवाददाता ममता जुड़ चुकी है। ममता, जिस तरह से शराब माफिया पर लगातार पुलिस की कार्रवाई चल रही है, क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार आगरा के अंदर शराब नशीली जो जहरीली शराब थी उनसे कई लोगों की आगरा के अंदर मौत हो चुकी थी, जिसको लेकर के पुलिस और आबकारी विभाग सख्त नजर आया। उसके बाद में आज पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है कि जब एक प्रवीण शिवहरे करके जो शराब तस्कर था, जिसके द्वारा की शराब की तस्करी की जाती थी, उसके लिए जो कोर्ट से नोटिस लिए गए थे, तो उस नोटिसों में वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ था। तो इसी दौरान जो एतमादवाला थाना जो पुलिस है उसके द्वारा एक नोटिस जमा किया गया है कि जैसे कि
यदि वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता तो उसके बाद में उसके मकान की कुर्की की जाएगी, और इस चीज के लिए पुलिस के द्वारा लगातार उसके दबिशें भी दी गई, लेकिन अब तक वो हाथ नहीं आया था। इसीलिए आज मुनादी करके अच्छी की कार्रवाई करके और उस चीज को वहाँ उसके घर पर जो मकान पर नोटिस इस पर कर दिया है। और जी ममता, जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है, शराब माफियाओं के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, तो इससे कितना बदलाव आया अभी तक जिले में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पुलिस की लगातार ताबड़तोड़ जो कार्रवाई चल रही है उससे काफी बदलाव आया है। जैसे पिछले दिनों देखा जा रहा था कि लगातार मौतों का आंकड़ा जो अवैध शराब जो बेचने वाले थे उस शराब से, जो जहरीली नशीली शराब थी उससे मौतों का आंकड़ा था वो बढ़ता जा रहा था। अब कई हद तक जो पुलिस की कार्रवाई है उससे वो मौतों का आंकड़ा बंद हो गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ आगरा से संवाददाता ममता जुड़ी थी। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, दलित ग्राम प्रधान की पिटाई का मामला आया सामने। दबंगा के खिलाफ पुलिस नहीं दर्ज कर रही FIR, प्रधान संघ हुआ आंदोलित। FIR दर्ज नहीं होने पर आंदोलन, अखिल भारतीय प्रधान संघ करेगा आंदोलन। उपाध्यक्ष रक्षाराम यादव ने जारी किया पत्र, 3 दिन पूर्व दबंग ने प्रधान की थी पिटाई। थाना पूरा कलंदर के सनीधु गांव का मामला। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दलित ग्राम प्रधान की पिटाई का मामला आया सामने। दबंग के खिलाफ पुलिस ने FIR नहीं करी है दर्ज, प्रधान संघ हुआ आंदोलित। FIR दर्ज नहीं होने पर आंदोलन। बाजपुर पहुंचे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, चीनी मिल का किया उद्घाटन, मौके पर नहीं पहुंचे किसान प्रतिनिधि। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाजपुर पहुंचे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, चीनी मिल का किया उद्घाटन, मौके पर नहीं पहुंचे किसान प्रतिनिधि। बाजपुर पहुंचे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे पहुंचे, लेकिन चीनी मिल का उद्घाटन तो किया गया लेकिन वहां पे किसान नहीं पहुंचे। बड़ी खबर सामने आ रही है, बाजपुर पहुंचे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, चीनी मिल का किया गया उद्घाटन, मौके पर नहीं पहुंचे किसान प्रतिनिधि।